दोस्तों, आज हम समझेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। तो टाइफाइड फीवर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके फैलने का कारण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो टाइफाइड फीवर एक साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये गंदा पानी या खाना खाने की वजह से होता है, यानी कि ये फीको ओरल रूट से फैलता है। तो आप टॉयलेट के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं और खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोएं। तो अब देखते हैं टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं। तो फीवर आना, हेडेक होना, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना और डायरिया होना, ये टाइफाइड के लक्षण होते हैं। इसके अलावा क्या टाइफाइड के लिए कोई वैक्सीन होता है? तो जी हाँ, आपको अगर टाइफाइड से बचना है, आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ टाइफाइड फीवर फैला हुआ है, तो आप कम से कम 7 दिन पहले वैक्सीन लगवा के जाएं। तो आप हल्का डाइट लें जिसमें कि हाई कैलोरी डाइट हो और हाई प्रोटीन डाइट हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हेल्थ के बारे में ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल वीडियो देखना है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।